तो एक्चुअली मुझे स्टार्ट हुआ एक्चुअली ओम स्वामी जी और सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम कौशिक मूल्या है। मुझे 2020 में एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हुआ था, तो स्वामी जी ने थका दिया। थका दिया, थका दिया नहीं, अब इसको बलवान बना दिया है। हाँ जी, जो बालक दो कदम नहीं चल सकता था वो किलोमीटर दौड़ता है और दंड बैठक सब लगाता, कोई कह नहीं सकता ये वही बालक है। तो एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ऐसी बीमारी है जो लोगों को डिसेबल कर देता है, तो उनका डिसेबल कर दे, हाँ विकलांग। विकलांग हो जाता है। तो मैंने कई लोगों को देखा है जो एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हुआ है वो अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो देख के बहुत निराश होता है। तो इसके इसके लिए मैं अपने आप को मतलब लोग उनको प्रूफ करना है कि ये एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी ठीक होता है, तो उसके लिए मैं इतना पुरुषार्थ कर रहा हूँ। और अब तो हो हाँ, चुका तो फिर वही मुझे एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस यूजुअली ऐसा होता है कि स्लो प्रोग्रेस होता है, आराम आराम से कमर दर्द होगा, फिर ऊपर ऊपर होगा अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो। ऊपर नीचे दोनों तरफ हाँ, फैलता हर है। जगह फैलता है, लेकिन आराम आराम से। तो मेरा केस अलग था, मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा 2 महीने के अंदर ही मेरे को व्हीलचेयर पे बिठा दिया एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ने। इसका पूरा नाम, पूरा चित्र है, पूरा रिकॉर्ड है, रिपोर्ट भी है, हाँ रिकॉर्ड भी है, हाँ पूरा जी, वीडियोग्राफी भी है। अचानक कर लिया था ऐसे ही, मैंने कहा चलो इसी इसी को ट्रायल करते हैं। तो फिर इधर आने से पहले मेरा हालत बहुत खराब हो गई थी। तो एक्चुअली हमारा फिर डॉक्टर ने बोला अगर ठीक नहीं हुआ तो तुमको लास्ट ऑप्शन बायोलॉजी लेना पड़ेगा, बायोलॉजिक्स। बायोलॉजिकल देते हैं, हाँ 15-25-30 हज़ार का हाँ एक इंजेक्शन आता है और 15 दिन में या वीकली देते हैं, महीने में 2 से 4 इंजेक्शन ठोक देते हैं। और मम्मी मेरा रोज योगा देखती थी और ये आपका योगा चैनल देखती थी यूट्यूब में, तो उन्होंने ऐसे ही बोला कि तुम योग्राम का बुकिंग कर दो। तो ठीक है, फोर्स कर दिया था मैं, फिर ठीक है जान दो कर देता एक बार। और फिफ्थ मई को हमारा बुकिंग था, फोर्थ मई को इतना हालत खराब हो गया था, मैं तो मैंने बोला उधर जाना थोड़ा कठिन लग रहा है और ये रिस्क है, बहुत बहुत बड़ा रिस्क है, एलोपैथी ठीक नहीं हो रहा तो फिर आयुर्वेदिक का कैसा ठीक होगा। कैसे ठीक हो जाएगा? बच्चों के दिमाग में एक है ना कि जो एलोपैथी से नहीं हुआ, पूरा यूरोप पूरा अमेरिका उसी में लगा पड़ा है, पगला रहा है। जो एलोपैथी से नहीं हुआ आयुर्वेद से कैसे हो जाएगा? वहां तो कोई पेन किलर भी नहीं, कोई स्टीराइड भी नहीं, कोई बायोलॉजिकल भी नहीं है। हाउ इट इज पॉसिबल? फोर्थ में का हमने बोल दिया, मैंने बोल दिया मम्मी मेरा हालत खराब हो गया, अभी मेरे को लगता है बायोलॉजिक्स लेना पड़ेगा। तो फिर मम्मी ने बोला नहीं, तुम जब पेन होते हैं ना वो हाँ इतने असह्य होते हैं, टॉलरेंस से परे होता है, फिर आदमी कहता है कुछ भी ले लो, जहर खा लो तो वो भी खा लेगा। तो 12 12 कम से कम 12 14 में पेन किलर्स खाते थे डेली। तो 12 से 14 हाँ, पेन किलर, क्या बात है। हालत वो सार्स करके गाता है वो पेन किलर्स, अलग अलग वो प्रकार की कंपनियों के एंकलोजिंग्स ब्रांड पर। हैं। हाँ, तो ऐसा हुआ था कि मैं जो यहाँ पे पेन होने लग गया, लीवर वीवर सब ऐसा एकदम दुखने लग गया, हार्ट में थोड़ा सा ये होने लग गया, हाथ पैर सूज गया। तो मैं बोला चलो ठीक है अभी बायोलॉजिक्स लेते हैं। मम्मी ने बोला नहीं, चलो तुम अभी तुरंत फ्लाइट बुक करो और जाते हैं हम। तो हमने कॉल लगाया कि हम 4 मई को आ सकते हैं क्या, तो उन्होंने बोला हाँ आ सकते तुम। उस टाइम थोड़ा नहीं था अवेलेबल था सीट, तो फिर हम आ गए बुकिंग करके। कोरोना खत्म हो हाँ, गया। कोरोना का टाइम ही था वो सब, हाँ तो कैसे करके हम मास्क सब लगा के बस इधर से उधर बसते हम आ गए यहाँ पे। तो ऐसा, लेकिन हमने 7 दिन का बुकिंग रहता है, तो हमें थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में बहुत तकलीफ हुआ, ऐसा नहीं कि इतना आसानी से ठीक हुआ। तो स्टार्टिंग में हम लोग को कुछ समझ नहीं आ रहा था, थोड़ा सा यूज टू होने के लिए यहाँ का डाइट सब फॉलो करने के लिए थोड़ा बहुत मुश्किल था, लेकिन हमने किया, 7 दिन तक फॉलो किया, ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मेरे को लगा नहीं कि आया अंदर से, लेकिन अंदर से बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हो रहा था जो मुझे नहीं पता था। 7 डेज हो गया, फिर 10 डेज, 11th डे पे हमने स्वामी जी से मुझे मिलने का मौका मिला। मैंने स्वामी जी को कहा कि हमने आपका यूट्यूब में वीडियो देखा है कि दो दो ही जन थे शायद, दो ही जन, एक दिवाकर जी एक थे और एक यहाँ पे ऐसे कोई तो एक बंदा था, उन्होंने उठा अपना बताया था कि मैं एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ठीक किया। तो वही मैंने बोला आपका आपका यूट्यूब चैनल देख के मैं आया, मुझे आप ठीक कर दोगे क्या? उन्होंने बोला कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हें ठीक होके भेजेंगे। तो फिर वो सोच के हमें और ऊर्जा आई, हमारे अंदर से और विल पावर बढ़ा। तो
तो हम स्वामी जी ने बोला कि और हम तो जाने वाले थे 12 दिन में जाने वाले थे, तो उन्होंने बोला और रुक जा थोड़ा, उसको पेशेंस रखो, ये बीमारी को इतना जल्दी रिकवर होने का मत देखो, आराम से। पूरा टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो वक्त तो लगेगा, ऐसे खींच के तो सीधा नहीं कर सकते, एक बार खींच के सीधा भी कर देते हैं वो, हम कायरोप्रैक्टिक कराते हैं लेकिन फिर वापस आ जाता है, फिर धीरे धीरे ठीक करते। हाँ, तो हाथ पैर तो मेरा उठ नहीं रहा था, इतना ही उठता था हाथ, गर्दन जाम हो गया था, मुंह पे मुंह तक आ गया था, मुंह खोलने तक नहीं हो रहा था, चबाने नहीं हो रहा था, राइस भी खाने को मुश्किल हो रहा था। तो हमने वही पेशेंट रखा, 16 डेज के बाद डॉक्टर ने बोला कि तुम ज़्यादा व्हीलचेयर पे मत, व्हीलचेयर का सहारा मत लो, तुम्हारा चलना कितना हो सके उतना चलो, कितना हो सके उतना प्राणायाम करो। तो हम वही फिर बाद में 16 दिन में हमने छोड़ दिया वो व्हीलचेयर का, और हमने सोच अभी यहाँ तक आने के लिए भी हम पैदल ही चलते थे, और जितना भी टाइम लगा तो होने दो, आधा घंटा ही लगता है यहाँ पे आने को, तो भी मैं व्हीलचेयर के बिना ही आता था, तो वहाँ से रिकवरी चालू हो गया। तो वही 1 महीने बाद फिर वापस 70% में रिकवर हो गया था, 1 महीने में 70% रिकवरी। तो वहां पे मैं था, उधर था उस टाइम में, स्वामी जी ने बोला था, बुलाया था मुझे यहाँ से, हाँ उधर बैठा था। फिर उस टाइम मैं चल के आ पाया था, चल के यहाँ पे आया था, फिर दूसरे इंडिया टीम में सब इंटरव्यू हुआ था, वहाँ पे भी थोड़ा और इम्प्रूवमेंट हुआ, और लास्ट के जब मेरे 2 महीने कंप्लीट होने के हो गए थे और 4-5 दिन ही बचे थे, तब यही रहे थे। हाँ, 2 महीने यही रह गए बालक। तो स्वामी जी से वापस मुलाकात हुआ तो हमने तभी बोला था, हमने 95% 96% तो कंप्लीट कर लिया था अपने पेन को, सिर्फ हम व्हील चेयर से चलने लायक हो गए थे उस समय। फिर उसके बाद असली चैलेंज तो फिर हो जाने के बाद ही होता करना था। हाँ, तो वही था, वो सबसे मेन चैलेंज वही है, अगर बड़ी बीमारी है तो यहाँ पे नहीं घर पे भी करना पड़ेगा। हाँ, इसके लिए जोरदार ताली बजाओ, ये एक्सपीरियंस कह रहा है भाई, बड़ी बीमारी है, एंकलोजिंगाइटिस है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, लिवर किडनी फेलियर है, कैंसर है, हार्ट ब्लॉकेज है, पार्किंसंस, अल्जाइमर है, डिमेंशिया है, आपको कंटिन्यू तो करना पड़ेगा। इसने कंटिन्यू किया बच्चे ने, डाइट सब प्रॉपर एकदम लेना पड़ता है, खट्टा चीज बिल्कुल नहीं, मतलब ये ऐसा है कि वो स्नेक एंड लैडर वाला गेम है। तो आप धीरे 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 इंप्रूव होते रहते, आपका कंडीशन इंप्रूव होते जाते, जरा सा आपने खट्टा चीज खा लिया, वापस आपने पकड़ लिया, आपको वापस जीरो पे आ जाओगे ऐसा। तो क्या कौन सा खेल बोलते हैं, स्नेक एंड लैडर, सांप सीढ़ी, सांप सीढ़ी, वो हमने खेला नहीं ना। हमने कभी खेला तो सांप सीढ़ी वाला है, वापस जीरो पे आ जाओगे। मैं बोलता हूँ तुम्हारी 2 महीने की मेहनत 6 महीने की मेहनत एकदम बेकार हो जाएगी, यदि एक बार दही छाछ नींबू अचार टमाटर, एक बच्चे को मैंने अच्छा कर दिया, आर्थराइटिस था उसको, फिर यहाँ बोले मैं घूम के आता हूँ, वो घूमने गए तो इधर नींबू का पेड़ देखा, नींबू का पेड़ देखा तो वो खट्टा खाने का, उसको नींबू कच्चा ही चबाता था, नींबू तोड़ा और कच्चा ही चबा गया, उसको रहा ही नहीं गया, फिर वापस बाबा जी मैं तो रिकवर हो गया था, दौड़ने लग गया था, वापस बैठ के मैंने कहा क्या किया था, सच्ची सच्ची बता, बोले एक नींबू खाया था। ऐसा आदमी पगला जाता है, ये पगलाना नहीं है। हाँ, वो गलती से मैंने भी उस टाइम थोड़ा बहुत ये चटपटा खा लिया था, सोचा क्या होता है देखते, फिर उसी टाइम मेरे को उसका मिल गया प्रणाम, तो फट से मैंने प्रसाद मिल गया, प्रसाद मिल गया था। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ऐसा सब मत करो, ये सब स्टंट करने मत जा, सीढ़ी करने मत जाओ। अब तो ये अब क्या हालत है, अभी एकदम फिट हूँ, यहाँ पे सिर्फ बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए आया था। अब तो इसके टोले शोले देख करके लगता है ये बच्चा एकदम पहलवान है, ये आइडियल है, अब बलवान है, प्रज्ञावान है, शीलवान है, और अपने पढ़ाई भी अच्छी सीखा। हाँ, पढ़ाई भी हो रहा है अभी। उस समय क्या हो गया था पढ़ाई का? उस टाइम तो मेरा इंजीनियरिंग का फाइनल ईयर चल रहा था। तो यहाँ से आने से पहले मेरा 8th सेम लास्ट फाइनल था, तो मैंने बोला, मुझे डॉक्टर से बात किया था मैं, सर मुझे इधर जाना पड़ेगा, तो उन्होंने बोला यहाँ पे अभी रिस्क मत लो, तुम्हारा 8th सेम में यहाँ पे एलोपैथी कर लो। तो मैं बोला, मम्मी ने बोला नहीं ये सब मत सुनो, सीधा जाते उधर ही, और उधर ही मैंने वो सबसे बेस्ट डिसीजन था, मैंने सब छोड़ दिया था, मतलब एजुकेशन का सब मैंने उस पर फोकस नहीं किया, मुझे सब अब पहला अपना हेल्थ पे फोकस करना था, तो हेल्थ मेरा मेन प्रायोरिटी था, और कोरोना का टाइम था तो यहाँ पे ऑनलाइन का एग्जाम था, तो यहाँ पे मेरा सब हो गया था, इधर ही मैंने परीक्षा दिया और यहाँ पे मैं फिर बाद में फाइनल क्लियर हो गया, ऐसा तेल हो गया, यही से एग्जाम दे दिया। ये है हौसला। अब ये बच्चा वो पूर्ण स्टार्स करना,
अब देखो ये इसकी फ्लेक्सिबिलिटी का लेवल आ गया। अरे रामा ये हालत है। तो इसको कहते हैं आपको जिंदगी में कोई कितना ही बड़ा रोग हो जाए, कोई कितना ही बड़ा संकट आ जाए, मैं बार बार कहता हूं रोग हमारा स्वभाव नहीं, योग हमारा स्वभाव है। मैं रोग से हारूंगा नहीं, पराजित नहीं होऊंगा, मैं उस पर विजय पाऊंगा। मेरा गुरु, मेरा भगवान, मेरा संकल्प, मेरा पुरुषार्थ मेरे साथ है, मैं विजयी होऊंगा। और उसका लाइव एग्जांपल है कौशिक मुल्या, तुम्हारे सामने बैठा है बालक, जोरदार है। ये है योग की विजय यात्रा स्वामी जी। और ये भी था कि कभी कभी आ जाता था, जाम हो जाता, जब 2 महीने के बाद भी जब मैं घर पे था तो सुबह सुबह जाम हो जाता था, तो इतना ही उठ पाता था। लेकिन ऐसा था कि ये बनाए रखा था कि मैं जितना भी हो, लेकिन जितना अभी तक हाथ पैर खुले हैं उसको उतना कंटिन्यू रखूं, यहाँ अगर यहाँ पे अटक गया तो इसी पे ही मैं ऐसा ना करूं, तो हाँ। मैं फुल ऐसा रोटेट, माइनर अटैक्स आते हैं, तो अप डाउन होता रहता है, प्रोग्रेस अप डाउन होता रहता है। फिर एक बार एक दिन ऐसा आएगा कि जिस प्रोग्रेस ही ऊपर ही जाएगा, तो वो दिन का वेट करो बस, उस टाइम वो टाइम तक पेशेंस रखो अपना, तो हो जाएगा सब। धीरज, पेशेंस। अब ये जवान बच्चा कह रहा है, तुम तो अब इतनी जिंदगी में सब मार खा के बैठे हो। और वेट भी बहुत लॉस हुआ था मेरा उस टाइम, तो मेरा ऑलमोस्ट 20 किलो तो लॉस हो गया था, क्योंकि इतना परहेज सारा, वेट तो रिकवर हो जाता है। अब रिकवर हो गया, वेट एक्चुअली में बहुत जल्दी रिकवर हुआ था, सिर्फ मेरा मैंने पेट का एक्सरसाइज पे बहुत फोकस किया, और बाकी सब 2-3 महीने के अंदर ही मैंने वेट गेन ही कर लिया। मतलब 51 पे गया था मैं, और फिर बाद में 63 पे आ गया था, तभी 2-3 महीने फिर वापस मिले स्वामी जी से, फिर दंड बैठक लगाया उस टाइम। दंड बैठक लगाया, तो माइनर अटैक्स आते, ये ऐसे अस्थमा है, एंकलोजिंग फ्लाइटिस है, आर्थराइटिस है, सोराइसिस है, इसके ये अटैक्स आते हैं, बड़ा खतरनाक होता है, लेकिन हौसला रखो, लगे रहो, और अपना एक ऐसा वर्कआउट जर्नल बनाए रखो कि आपने कितना आपने एक्सरसाइज किया, कि कल अगर मैं कल वर्कआउट कर रहा तो मैं आज का प्लान बना के रख दूंगा कल के लिए, एक दिन भी मिस नहीं होगा। तो आज मैं करता हूँ, अगर ये सब लिख दिया मैंने, इतना दंड बैठक मैंने लगाना है मेरे को, ये सब मैंने प्लान कर दिया, और कल सुबह मैं उस पर वर्क करता हूँ, और ये कंप्लीट होने के बाद ही मैं रेस्ट लेता हूँ, चाहे कितना भी 3 घंटा लगे, 4 घंटा लगे, कभी कभी 4 घंटा भी कर चुका मैं एक ही दिन में, ऐसे सुबह जाके फिर 9-10 बजे आ जाता था मैं। ऐसा कुछ भी हो जाए, अपने योग और वर्कआउट को छोड़ना नहीं नहीं। चलो अब इधर बैठो, मंडूकासन, सिरे की गोमुखासन, और पवन मुक्तासन से लेकर के फिर शीर्षासन और सर्वांगासन, नीचे बैठो। इसकी माँ इतनी चिंतित थी उस समय, तो रोती थी, इसके सामने थोड़ी हिम्मत रखती थी, पीछे से कमरे में जाके रोती। क्या हालत थी, अपना नाम बोल। मेरा नाम प्रेमा, मैं मुंबई से रहती हूँ। ये प्रेमा है, लेकिन उस समय तो प्रेमा की हालत क्या थी, तू ही बता। और इसको मुझे देखती थी तो इसको विश्वास तो था, लेकिन इतना चैलेंज रे रामा। उसको वही पहले बुखार आया, वो एलोपैथी का मेडिसिन खा के बाद में ये सब, उसका पूरा जॉइंट सब पेन हो गया पूरा। फिर हम लोग इतना टेंशन में थी, मैं 2 साल मैं पहले से योगा करती हूं, बुखार के लिए एलोपैथी की दवाई दिया तो ये हो गया, ले लो प्रसादी। मैं पहले से योगा करती थी, रोज आस्था चैनल में आपको देखती थी, उसमें बोलता था आपने एंकलोजिंग स्पॉन्डिलिटिस के इधर मेडिसिन ये करके आ जाओ, इसको लेकर आके, ये पहले रेडी नहीं था, मैं बोले नहीं चलो हम लोग उधर ही जाएंगे, पहले बुकिंग किया था हम लोग, तभी अगस्त का मिला था, फिर सेकेंड टाइम फिर से इसको बोला, फिर से देखो तू ट्राई करो, फिर मई में मिला, फिर हमारा घर का हालत ऐसा था, मैं पूरा दिन रोती रहती थी, कोई भी घर पे आता था ना उन लोग का साथ मैं बैठ के रोती रहती थी, इसका सामने नहीं रोती थी लेकिन बाहर आके रोती थी मैं। क्या इतना पीड़ा होती है ना, मतलब कुछ दिखता ही नहीं है ना, माँ को अपने बच्चे में, अपनी उसकी माँ अपने आप को अपने में नहीं रखती, वो अपना सर्वस्व अपने बेटे के अंदर देखती है, अपनी बेटी के अंदर, अपने
आपको बच्चों में समाहित कर देती है। उसको ऐसा लगता है अब मेरा बेटा इतनी इसकी उम्र है कैसे जिएगा, क्या होगा इसका, ऐसा सोच सोच के कितने दिन रोई? 2 महीने रोई में, मेरा वेट भी कम हुआ था, इसे 20 केजी वेट कम हुआ था मेरा। इसका 20 किलो वेट कम और माँ का 20 किलो वेट कम। इसको कहते हैं माँ बच्चे की पीड़ा में, उसके दुख में, उसके दर्द में अपने आप को पूरा उसी में खो जाती है। जैसे राम और लक्ष्मण की प्रीति के भी उदाहरण देते हैं, तो तीर लगा लक्ष्मण को, पीड़ा होती थी राम को, तो यही हालात माँ और बेटे की होती है। लेकिन इस माँ ने हिम्मत नहीं हारी और आखिर विजय पाई, इसके लिए भी अभिनंदन है इस माँ का। ऐसी हौसले वाली माँ होनी चाहिए, खाली रोने वाली ही नहीं, डिसीजन भी लेना चाहिए आपको। हाँ, डिसीजन भी लेना पड़ता है और हिम्मत करके, खुद हिम्मत करके फिर आई, रही 2 महीने खुद ही। फिर मैं घर पे सबको योगा तो करने का सबको उठाती, मैं ये भी अभी योगा करता है, मेरी बेटी भी करती है अभी, सब लोग योगा करते हैं अभी, मैं योगा टीचर भी अभी सबको सिखाती हूँ अभी। क्या बात, अब सबको सिखाती है कि मेरे बेटे ने जो पाया मैं सबको औरों को दूं। चलो आपको बोलना।